लेकिन मुझे विश्वास है कि इस वाइब्रेंट समिट के माध्यम से हम करीब 125 अलग अलग सेमिनार कर रहे हैं और एक प्रकार से विकास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सबको स्पर्श करने का हमारा प्रयास है। दूसरी हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान में जो उत्तम है, दुनिया में जो उत्तम है, उसके साथ हम कैसे अपने आप को जोड़े, जो श्रेष्ठ है उसको पाने का कैसे प्रयास करें। और तीसरी हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो श्रेष्ठ है वो तो दुनिया तक हम कैसे पहुंचाएं। तो इन तीन बातों को लेकर के हम बहुत सफलतापूर्वक लगातार कुछ वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। मित्र, एक्सपोर्ट के संबंध में यहां आप लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम 25% में हैं, 35% जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी बातों का अपना एक स्थान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने व्यापक रूप से बदलाव लाने की आवश्यकता है और भारत सरकार के प्रतिनिधि यहां है। देखिए, हम जापान की कोई चीज खरीदते हैं, सालों तक आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट होती थी इतना ही लिखा रहता था मेड इन जापान, कोई पूछता नहीं था किस शहर में मैन्युफैक्चर हुई है, किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, किस टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर हुआ है, कुछ नहीं। मेड इन जापान मतलब उठाओ बस खींचे में रखो पैसे देते, यही था ना। देखिए, दुनिया के बाजार में जगह बनाने के लिए ब्रांड इमेज बहुत आवश्यक होती है और इंडिविजुअल व्यक्ति के माध्यम से वो नहीं होता है। गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो या फेडरल हो, एसोसिएशन हो, मैन्युफैक्चरर हो, सबने मिलजुल करके कोशिश करनी होती है। दूसरी बात होती है क्रेडिबिलिटी। एक बार उसने हाथ लगाया, यस दिस इज मेड इन गुजरात या मेड इन इंडिया, मतलब उसको भरोसा हो कि पर आप देखने की जरूरत नहीं, तो अच्छा ही होगा। अब ये तब होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीरो डिफेक्ट के आग्रही बने, हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसे ना हो जिसमें डिफेक्ट हो। दूसरी बात है, हम दुनिया के अंदर जब जाते हैं तब वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे गुजरात का छोटा किसान कॉटन एक्सपोर्ट करता है, गांव का किसान है, कोई बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करने की सारी दुनिया के कानून मुझे जानता सा नहीं है, लेकिन उसने ऐसी क्रेडिबिलिटी पैदा की है कि गुजरात का कॉटन है, मतलब बिल्कुल बिंदास होकर के हाथ लगाओ ले लो पैसा देने को तैयार हो जाता है। अगर वो ही पैसों की लालच में अगर कुछ करने लग जाए, वेट बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करें, कुछ और टेक्निक अपनाएं, तो फिर सबका सुख धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि दुनिया में कम से कम एक्सपोर्ट से जुड़े जुड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस में वैल्यूज का महत्व बहुत होता है, क्योंकि शब्दों पर व्यापार शुरू होता है। और इसलिए हम जितने अपना अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएंगे, उतना हमारे लिए बिजनेस के सेक्टर में हम जगह भी पाने। दूसरा, मित्रों, हमारा बहुत इनडेप्थ स्टडी होना चाहिए कि दुनिया के किस पार्ट को किस चीजों की रिक्वायरमेंट है। हमें अभी से पता होना चाहिए कि भाई 2015 में यूरोप को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और अभी से हमने अपने आप को तैयार करना चाहिए। आप देखिए, चाइना को मालूम होता है हिंदुस्तान में गणेशोत्सव कब आने वाला है और गणेश की मूर्ति एक्सपोर्ट कब करनी चाहिए, उसको मालूम होता है। चाइना को मालूम होता है रक्षाबंधन कब आएगा, राखी के त्योहार के चाइना मेड राखी यहां कैसे दम करना। इसका मतलब कभी न कभी किसी ने स्टडी किया होगा, स्टडी करके मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया होगा, उसने यहां की ह्यूमन नेचर का भी स्टडी किया होगा, एक्चुअली वो कौन सी चीजें हैं उसको अपील करती है। अब हम बड़ी आंखें वाले गणवेश के आदि थे,
लेकिन धीरे धीरे छोटी आंख वाले गणेश चल गए हमारे यहाँ। हल्के फुल्के के ढंग से बात बता रहा हूं, लेकिन दिस इज द एसेंस ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब देखिए, अरबिक कंट्रीज में से खजूर डेट, उसका बहुत बड़ा स्कोप है। हमने स्टडी किया कि दुनिया के मार्केट में जो खजूर आता है अरबिक कंट्रीज से, गुजरात का खजूर उससे 2.5 महीना 3 महीना पहले आता है। हमें वेदर का बेनिफिट है, तो हमने कोशिश की कि दुनिया के मार्केट को हम कैसे कब्जा करें। अगर मेरा माल 2 महीना 3 महीना पहला आता है उनका माल से, मेरे को मार्केट मुझे मिलना ही मिलना। अगर हम उस दिशा में काम करके कोशिश करें हमें फायदा होगा। मुझे आप देखिए, आम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आम करीब अगस्त के बाद आमतौर पर वहां आम का सीजन शुरू होता है, हमारे यहां जुलाई में समाप्त होता है। क्या हम नॉर्थ की हैबिट बिगाड़ सकते हैं? हम भी उनको अप्रैल मई महीने में आम खाने के लिए लालायित क्यों ना करें? तो मेरा आम बहुत तेजी से बिकेगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है मेरे व्यापार के। मैं जानता हूं कि आप यहां काफी डिटेल डिबेट करने वाले हैं, लेकिन अगर हमारा स्किल, हमारा रॉ मटेरियल, दूसरी बात है मित्रों, ये जो दो पहलू बताए आपने, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि रॉ मटेरियल हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और वैल्यू एडेड गुड्स कितना एक्सपोर्ट करते हैं। हमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने से फिगर तो बढ़ जाएगा। अगर मेरा बॉक्साइट चला जाता है तो हिसाब तो लगेगा, ये इतना करोड़ों डॉलर का ऑक्साइड गया, लेकिन कंट्री नॉन बेनिफिशियरी। अगर मेरा आयन ऑर चला जाता है, माय कंट्री नॉन बेनिफिशियरी। हमें कोशिश ये करनी है, आयन ऑर नहीं जाएगा, स्टील जाएगा, स्टील में भी सुपर क्वालिटी जाएगी। उसी प्रकार से हम डायमंड के क्षेत्र में हैं। अब हम रॉ डायमंड लाते हैं, कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के खाते में जुड़ता है, लेकिन एक्चुअली हमारा उसमें वैल्यू एडिशन यही है, हमारा पसीना हम बहाते हैं, हमारे स्किन का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता हूं, देन आई एम अ बेनिफिशियरी। मैं तो आज ज्वेलरी में कितना बड़ा स्कोप है, और उसमें भी विश्व का एक बहुत बड़ा वर्ग तबका है जिसको मैन मेड ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, मशीन मेड ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं है। और हम वो लोग हैं जिसके पास लाखों करोड़ों कारीगर है, जिनके पास स्किल है, हम बहुत बढ़िया क्वालिटी के ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं। हम विश्व का मार्ग, आज भी आप थाईलैंड में जाइए, बनाने वाला इंसान गुजराती है या इंडियन है। आप दुबई के ज्वेलरी का मेला लगता है देखिए, 80% वहां स्टॉल लगाए वाले हमारे लोग हैं। इसका मतलब वी हैव अ स्किल। तो दुनिया की रिक्वायरमेंट को अगर स्टडी करके अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम सिर्फ उद्योगकारों पर छोड़ दें, मैन्युफैक्चरर पर छोड़ दें, और फिर उसमें से कोई चीज चल पड़ी तो चल पड़ी, इससे बात बननी नहीं। हमने बहुत ही वेल रिसर्च करके अगर हम नेक्स्ट 10 ईयर का अगर प्लान बना करके चलते हैं, मुझे विश्वास है मित्रों, 2020 में हम शायद एक्सपोर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नाम खड़ा कर सकते हैं। गुजरात इस दिशा में कोशिश कर रहा है, उसी कोशिश का एक हिस्सा है। आज आप लोगों से सुनेंगे, बातें करेंगे, उसमें से कुछ चीजें निकालेंगे, फिर उसको हम फॉलोअप करेंगे, और हम जिस टारगेट को जाना चाहते हैं उस टारगेट से और आगे बढ़ेंगे, और देश की, क्योंकि एक्सपोर्ट की दुनिया में आगे बढ़ना देश की बहुत बड़ी सेवा है, तो देश की बहुत बड़ी सेवा करने का प्रयास करेंगे। मित्र, मुझे वैसे आज जाना था कोची में प्रवासी भारतीय दिवस में, लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस से वहां आज संबोधित करना है, इसलिए मैं यहां रुकने वाला था, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू।